हेलो बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल आई क्वेश्चन को रीड करते हैं। द क्वेश्चन इज अ बॉक्स कंटेन्स फोर रेड फाइव ब्लैक मार्बल्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेड मार्बल्स इन अ रैंडम ड्रॉ ऑफ थ्री मार्बल्स। यहाँ पर फोर ऑप्शन गिवन है, ए बी सी एंड डी, और हमें इनमें से करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम देख लेंगे टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स कितने हैं, फोर प्लस फाइव। ठीक है, तो टोटल मार्बल्स लिख लेते हैं सबसे पहले, कितने हैं, फोर प्लस फाइव यानी कि नाइन। अब अगर x डिनोट कर रहा है नंबर ऑफ रेड मार्बल इन अ रैंडम ड्रॉ ऑफ थ्री मार्बल, तो x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, जीरो, वन, टू और थ्री। इसके लिए हमें डिस्ट्रीब्यूशन बनाना होगा। तो सबसे पहले अगर हम ले लें कि p x इक्वल टू जीरो के लिए, तो x इक्वल टू जीरो का मतलब क्या हो गया कि नो रेड मार्बल। अब अगर कोई भी रेड मार्बल नहीं है तो फेवर में हमारे कितने आ जाएंगे, देखिए, कोई भी अगर रेड मार्बल नहीं है तो हमें किसमें से चूज करना होगा, फाइव ब्लैक मार्बल में से। तो फाइव सी थ्री अपॉन टोटल कितना होगा, नाइन सी थ्री। ठीक है, इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे एनसीआर के फॉर्मूले से तो कितना आ जाएगा, फाइव इंटू फोर इंटू थ्री, फाइव इंटू फोर इंटू थ्री अपॉन वन इंटू टू इंटू थ्री, और डिवाइड है तो ये उल्टा हो जाएगा, इंटू में वन इंटू टू इंटू थ्री अपॉन में आ जाएगा नाइन इंटू एट इंटू सेवन, नाइन इंटू एट इंटू सेवन। तो देखिए, ये पूरा पूरा कैंसिल आउट हो गया। बाकी इसको सॉल्व करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, फाइव अपॉन 42। अब देखिए, निकालेंगे पी जब एक्स इक्वल टू कितना हो, वन हो। तो पी एक्स इक्वल टू वन का मतलब क्या हो गया कि वन रेड मार्बल एंड टू ब्लैक मार्बल, तो कितना आ जाएगा, फोर सी वन इंटू फाइव सी टू, फाइव सी टू अपॉन में नाइन सी थ्री। इसको एनसीआर के फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, फोर सी वन के लिए तो यह आ जाएगा फोर अपॉन वन इंटू फाइव इंटू फोर अपॉन वन इंटू टू इंटू बाकी वन इंटू टू इंटू थ्री अपॉन में कितना आ जाएगा, नाइन इंटू एट इंटू सेवन, नाइन इंटू एट इंटू सेवन। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, ट्वेंटी अपॉन 42। ठीक है, थर्ड टाइम व्हेन पी एक्स इक्वल टू टू के लिए, एक्स इक्वल टू टू का मतलब क्या हो गया कि टू रेड मार्बल एंड वन ब्लैक मार्बल, तब कितना आएगा, फोर सी टू इंटू फाइव सी वन अपॉन नाइन सी थ्री। इसको एनसीआर के फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, फोर इंटू थ्री अपॉन वन इंटू टू इंटू फाइव अपॉन वन इंटू वन इंटू टू इंटू थ्री अपॉन में वही नाइन इंटू एट इंटू सेवन। तो इसको सॉल्व करने पर हमें कितना मिलेगा, फिफ्टीन अपॉन 42। ठीक है, अब लास्ट जब पी एक्स इक्वल टू थ्री ले ले, एक्स इक्वल टू थ्री का मतलब क्या हो गया कि थ्री रेड मार्बल, तब आ जाएगा फोर सी थ्री, फोर सी थ्री अपॉन नाइन सी थ्री। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, फोर अपॉन 82 यानी कि टू अपॉन 42। तो ये देखिए, एक ये वैल्यू मिल रही है, एक ये वैल्यू मिल रही है, एक ये वैल्यू और एक ये वैल्यू। इसको अगर हम लोग ऑप्शन में चेक करें तो हमारा करेक्ट आंसर आ रहा है ऑप्शन बी, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू।